हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम कीमे की रेसिपी डाल रहे हैं। कीमा बना रही थी मामा, तो मैंने कहा मामा मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बनाती, ये वाला कीमा मामा ही बनाती हैं। तो मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना टेस्टी बनता है? लेकिन ये बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से बनाती हैं मामा। हमने 1 kg बीफ ले लिया है कीमा, और उसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है, साबुत काली मिर्ची, लौंग और बड़ी इलायची, अदरक लहसुन 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और कुटी हुई मिर्ची 1.5 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून या हाफ से थोड़ी सी कम, और हरी मिर्चें अभी नहीं ऐड होंगी, वो तो एंड में ऐड होंगी। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने काट लिए थे इस तरीके से, बड़े बड़े, ज़्यादा छोटे नहीं किए, क्योंकि गल जाएंगे खुद ही। और ये 6 टमाटर थे। प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की 3 अदद, उसको भी काट लिया था। और इस सब को ऐड कर दिया है पतीली में, लेकिन अब ये पतीली छोटी पड़ गई थी, तो हमने इसको फिर दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम मीडियम तक। हाँ, इसके बाद इसको ढक दिया है। फिर मुझे नहीं पता था, मैं पानी डालना भूल गई, थोड़ा सा हाफ ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे और ढक देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे कि मीडियम टू लो। और ढकने के बाद कीमा गलने तक पकाएंगे इसको। अभी देखें इसमें पानी है थोड़ा बहुत, तो अब इसको तेज़ आँच पर भूना जाएगा ताकि ये पानी सूख जाए कीमा, क्योंकि गल चुका है। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप तेल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक ये तेल हमने ऐड किया है ये अलग ना हो जाए। तेल ऐड करने के बाद, भूनने के बाद, इसको हम इसके अंदर हरी मिर्ची मैंने काट ली थी जो साबुत दिख रही थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, तो वो हम इसमें बाद में ऐड करके 1-2 मिनट और भूनेंगे, और फिर इसको ढक देंगे ताकि हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू कीमे में आ जाए। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरीके से इसको भून रही हूँ, और अभी तेल नहीं निकला है। ये अब तेल निकल चुका है इसके अंदर से, मतलब तेल हमने जो डाला था वो अलग हो गया है। तो अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी ऑन है। फ्लेम मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्लेम ऑफ़ करके ढक देंगे। और ढकने के बाद आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। और ये बना भी बहुत टेस्टी था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सेम टू सेम टेस्ट था जैसा मामा बनाती हैं। फिर मैं रोटी बना रही थी, तो सिस्टर ने कहा रोटी की वीडियो भी अपलोड कर दो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रोटी की वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने पेड़ा बना लिया था और रोटी अब मैं बेल कर इसको चूल्हे पर डाल दूँगी, तवे पर। और ये रोटी बना ली है, कीमा हमने प्लेटर में लगा दिया है, अच्छी तरीके से थोड़ी गार्निशिंग करने की भी कोशिश की है, और इसको आप खा के देखें और बताएं कैसा है।